नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम एक नए तरीके से झटपट बाजार जैसे भटूरे बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मैदा की, रिफाइंड ऑयल की, नींबू के रस की, बेकिंग सोडे की, नमक की और पिसी हुई चीनी की। सबसे पहले हम एक बर्तन में मैदा को करेंगे और इसमें चम्मच से होल करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल, 3 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच पिसी चीनी, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच नमक डाल करके इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। हमें इसको बिल्कुल चिकना करके गूंथना है। हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है। इसमें हमारा 1/4 कप पानी लगा है। अब हम बर्तन में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको चिकना करके गूंथ लेंगे। भटूरे का आटा हमें ना ज्यादा टाइट गूंथना है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट गूंथना है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे। हमारे पेस्ट को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे दोबारा से चिकना करेंगे। हमारा भटूरे बनाने के लिए पेस्ट तैयार है। हमने अपने हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अब हम थोड़ी सी मैदा लेंगे। मैदा को हमें इस तरीके से निकालना है और गोल करके चिकना कर लेंगे और इसी तरीके से सभी लोइयां बना लेंगे। हमने चकले और बेलन पर रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। अब हम लोई को बेलेंगे। आप चाहे तो इसे गोल भी बेल सकते हैं या चाहे तो लंबा भी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे लंबा बेल रही हूँ। हमने 1 कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम इसे चेक करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम भटूरे को तेल में डाल करके तलेंगे। भटूरे बनाते समय हमारा ऑयल तेज गरम होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम इसे पलटेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा भटूरा सिक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बची हुई मैदा के सभी भटूरे बना लेंगे। लीजिए, हमारे भटूरे तैयार हैं। ये भटूरे बहुत ही कम ऑयली होते हैं। इन्हें आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये आपको कैसे लगे ये हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।